नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद सागर बांध से आ रही है, जहां पर आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने एक शव को देखा। शव की सूचना मिलते ही थाना शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सबको बाहर निकलवाया। आखिर क्या है पूरा मामला, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सोनम यादव इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उन्हीं से पूछते हैं क्या है पूरा मामला। जी सोनम जी, बताएं इस समय जो शव मिला है, कौन है ये छात्र, कहाँ का रहने वाला है और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी मनोज जी, यह मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र गोविंद सागर बांध का है, जहां साइफन के पास बांध में तैरते 3 दिन से लापता छात्र का शव आज सुबह हाथ पैर बंधे का गोविंद सागर बांध में मिला है। जानकारी के अनुसार 13 नवंबर को ग्राम सतरवासा निवासी दयाराम पटेल का पुत्र पुष्पेंद्र पटेल, उम्र लगभग 16 वर्ष बताई जा रही है, जो कि झांसी में रहकर पढ़ाई करता था, 12 नवंबर को दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए ललितपुर आया था, जो 13 नवंबर को शाम 7 बजे लापता हो गया, जिसकी सूचना काफ़ी खोजबीन करने के बाद कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना में गुमशुदगी दिखाई गई, परंतु आज सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने एक लड़के का शव साइफन के पास पानी में ऊपर देखा। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, क्या हुआ फिर इसके बाद? जैसे ही सूचना मिली, शहर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर गोताखोर द्वारा सबको बाहर निकाला गया। सबको पानी से बाहर निकाल लिया गया, इसके बाद क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? जी मनोज जी, सबको पानी से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ये हमारी संवाददाता थी सोनम यादव, जो कि आपको घटनाक्रम की पूरी जानकारी दे रही थी। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ आगे की अपडेटों के लिए। मैं आपका सुजान सिंह निरंजन। कहाँ के निवासी? मिर्चवारा। क्या घटना हुई? मेरा भांजा 13 तारीख को लापता हुआ था शाम के 7 बजे, जिसे अभी डैम में मृत पाया गया। क्या नाम था? पुष्पेंद्र सिंह निरंजन। उम्र 16 साल। क्या आपको कोई संदेह है इस पे? अभी कोई संदेह नहीं है। अब ये घटना मर्डर की है, क्योंकि हाथ पैर और मुंह बांधा हुआ है, अभी मृत पाया गया। अब कार्रवाई आगे देखी जाएगी, जानकारी करी जाएगी कि किसका हाथ है। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोविंद सागर डैम के पानी में आज सुबह किशोर का शव तैरता हुआ पानी में मिला। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकाल के पंचायत नामावली की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। परिजनों की तहरीर पर 302 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तहरीर के आधार पर, और हम लोग इसको गहनता से छानबीन करके और पूरा जल्दी इसका अनावरण करेंगे। जो भी फैक्ट सामने आएंगे, इसमें जो भी दोषी होगा उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं, बहुत जल्द इसका अनावरण करेंगे।